तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए आपको मस्ती करना है मजा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहाँ उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे। तो सबसे पहली चीज की यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है। आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड्स सपोर्टिव होने चाहिए, तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो, तो जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भाई पाप भी कर, मार, गलत कर, मैं तो साथ खड़ा हूँ। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज कुछ आपके अंदर आती है, तो जरूरी है कि वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए दोनों, तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते, वरना वही सैटरडे संडे मिलना और जिंदगी खराब करना यही हो पाएगा बस।